हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इस बार मैं जानकारी दे रही हूँ बैंकों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली खास योजनाओं के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की वैभव लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का काम शुरू करने के लिए बैंक लोन देती है। जो महिलाएं नौकरी नहीं करती है और अपना काम शुरू करना चाहती है, तो बैंक उन्हें बिजनेस करने के लिए लोन देती है। बैंक यह लोन प्रोजेक्ट के आधार पर देती है। लोन की राशि प्रोजेक्ट के आधार पर ही तय की जाती है। बैंक लोन देने के लिए एक गारंटर मांगता है। विजया बैंक की वी स्वशक्ति। विजया बैंक महिलाओं को अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। बैंक द्वारा यह लोन मालिकाना हक और पार्टनरशिप फर्म के लिए देती है। इसके लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और महिला का इस बैंक में बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना के तहत बैंक अधिकतम 5 लाख रुपए तक लोन देती है और इसके लिए किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं है। SBI का स्त्री शक्ति पैकेज। इस लोन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। 5 लाख रुपए तक के लोन पर बैंक महिलाओं से किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेती है। महिला के आई कार्ड और एड्रेस प्रूफ पर बैंक लोन दे देती है। बैंक ऑफ इंडिया की प्रियदर्शनी योजना। बैंक द्वारा महिलाओं को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। यह रकम 2 लाख रुपए होती है। इसकी ब्याज दरें सामान्य ब्याज दरों की तुलना में 1% कम होती है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की महिला विकास योजना। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन देती है। यही नहीं, महिलाओं को ब्याज दरों में 2% की छूट भी देती है। महिला द्वारा 10 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेने पर 1% तक की छूट दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लिए गए लोन को 7 साल में चुकाना होता है। सिंडिकेट बैंक की सिंध महिला शक्ति। सिंडिकेट बैंक द्वारा भी महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आकार के बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। बैंक महिलाओं को कम रेट पर 5 करोड़ तक लोन देती है। यदि महिला 10 लाख रुपए तक का लोन लेती है, तो उसे 10.25% की दर से ब्याज देना होता है और लोन की राशि 10 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर ब्याज दर में 0.25% की छूट मिलती है। यह लोन 7 से 10 सालों के लिए मिलता है। पंजाब नेशनल बैंक की योजनाएं। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिए निधि स्कीम, PNB महिला समृद्धि योजना, PNB कल्याणी कार्ड स्कीम आदि कई योजनाएं हैं। बैंक द्वारा महिलाओं को अचार बनाने से लेकर कार बनाने तक के लिए लोन देती है। 5 से 25 हज़ार रुपये तक का लोन महिलाओं को एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर ही मिल जाता है, लेकिन इससे अधिक की राशि लेने के लिए महिला की कार्य क्षमता और बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लोन दिया जाता है। बैंक द्वारा दिया जाने वाला लोन 5,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। देना बैंक की देना शक्ति योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को खुदरा व्यापार आधार पर 20 लाख रुपए और माइक्रो क्रेडिट के आधार पर 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। महिलाओं को ब्याज दर पर 0.25% तक की छूट मिलती है। कैनरा बैंक की कैन महिला लोन योजना। इस योजना के तहत बैंक 18 से 55 साल की महिलाओं को लोन देती है। भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक कंपनियों के तहत 2013 में शुरू किया गया है। वर्तमान में देश भर में इसकी कम से कम 100 शाखाएं फैली हुई है।
इसका मुख्य उद्देश्य उन वंचित और गरीब महिलाओं की मदद करना है जो स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। बैंक द्वारा समय समय पर वित्तीय साक्षरता और महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास पर कार्यक्रम आयोजित करती है। फ्रेंड्स, बैंकों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बिजनेस मंत्रा ब्लॉग देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।